इंग्लैंड के खिलाफ विशाखापट्टनम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए हैं। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टीम इंडिया के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया। शुभमन गिल 46 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए। शुभमन गिल पिछली 12 टेस्ट पारियों से लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं। विशाखापट्टनम में इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल के पहली पारी में फ्लॉप शो के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर गुस्साए फैंस सवाल कर रहे हैं कि शुभमन गिल की जगह प्लेइंग 11 में सरफराज खान को मौका क्यों नहीं दिया गया। शुभमन गिल पिछली 12 टेस्ट पारियों में अर्धशतक तो दूर 40 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाए हैं। शुभमन गिल के बल्ले से आखिरी टेस्ट शतक मार्च 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अहमदाबाद टेस्ट में निकला था। शुभमन गिल ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टेस्ट मैच में 128 रनों की पारी खेली थी।